में दो कांग्रेसी नेता का आमने सामने होने का मामला है। आपको बता दें अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरपंच संघ टोंक जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा के नेतृत्व में जिले के सरपंच और जनप्रतिनिधि टोंक पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और प्रधान और कांग्रेस नेता हंसराज फागना पर देर रात हुए हमले का विरोध जताया गया और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। गौरतलब है कि देर रात दो कांग्रेसी नेता आमने सामने हुए थे, जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। वहीं हंसराज फागना के निजी आवास पर कई लोगों द्वारा हमले करने का आरोप लगाया गया है। हमारे अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि हमारे अधिकारी के साथ हुई, उससे पहले कई बार सरपंचों के साथ हुई, जो रात को जो वाकई जो घटा, करीबन 150-200 लोग कि जो यहाँ पे उनको घर पे आवास पे मारने के लिए आ गए, तो ये सही नहीं है। ये जनप्रतिनिधियों की जो साथ में हो रहा है तो आम जनता तो फिर सेफ ही नहीं है। जब आज जनप्रतिनिधि के अंदर 150-150 लोग अगर इस तरह के जो हमला करने आ रहे हैं तो आम आदमी का तो फिर रोड पर निकलना ही बहुत वो हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। और सरकारी आवास में, ये भी नहीं कि पर्सनल कोई घर पे, सरकारी आवास जैसे उसमें जो नाम से भी कई बड़े वो भी पीछे पेड़ डाले थे, पर ये तो बहुत बड़े हो गए, तो इस तरह का होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा और इनमें जो शिकंजा अगर पुलिस प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती है तो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम पर आम आदमी का घूमना फिरना बहुत दुर्बल हो जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र। भूपेंद्र, अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई दो कांग्रेसी नेताओं के आमने सामने होने के बाद ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी सौरभ, बताना चाहूंगा जी, दो गुटों में जो तनातनी हुई थी कांग्रेसी नेताओं के बाद अब दोनों की तरफ से मामला दर्ज करा दिया गया है। तो इस संघ ने भी ज्ञापन सौंपा है। जो आंदोलन है वो किया जाएगा। एसपी राजश्री राज वर्मा ने इसको लेकर अब जांच टीम गठित कर दी है, जिससे अब इस पर दोनों को बात जो कार्रवाई है उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी जी। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले के अंदर? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसकी जांच जारी है, जल्द इसमें गिरफ्तारी, जैसा कि एसपी ने सरपंच संघ अध्यक्ष को भी आश्वासन दिया है कि जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।